हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय शर्मा और आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप से रिटायर करता है तो रिटायरमेंट के समय उसे जो रकम मिलने वाली होती है उस रकम को या तो कैश में पेड कर दिया जाता है या फिर रिटायर होने वाले पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें हम लोग न्यू रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट करना, कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ABC पार्टनर्स हैं जो अपने कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लिखा हुआ है ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। यानी जो इन लोगों का कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, इस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट को शेयर करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे रिजर्व फंड दिया गया है, तो इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ऐसा एडजस्टमेंट हम लोग रिजर्व फंड से रिलेटेड हम लोग पहले भी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर में कर चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। ए रिटायर्ड ऑन दिस डेट, ए रिटायर कर रहा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स कि हम लोगों को देख लेना है कि क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ रहता है या नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है B&C विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 5:3, यानी कि ए के जाने के बाद बी और सी 5:3 के रेशियो में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लोगों को बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग रिटायरमेंट का क्वेश्चन उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ओल्ड रेशियो जो था ए बी और सी का, जो कि कैपिटल के रेशियो में था, उनका कैपिटल 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, इस हिसाब से स्टूडेंट्स इनका ओल्ड रेशियो हो जाएगा 2:2:1। ठीक है, न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है बी और सी के बीच का 5:3। तो स्टूडेंट्स बी गेन करेगा 5/8 - 2/5। 5/8 यानी इसका न्यू शेयर 5/8 और 2/5 यानी इसका ओल्ड शेयर 2/5। ठीक है, तो ओल्ड शेयर को हम लोग न्यू शेयर में से माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का गेन निकल आता है। तो इसका कैलकुलेट करने से आया है 9/40। इसके बाद हम लोग सी का कैलकुलेट करेंगे। सी का न्यू शेयर है 3/8, यहाँ से आया 3/8 और इसका ओल्ड शेयर था 1/5 यहाँ से लेंगे हम लोग, तो इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 7/40। तो इस तरह गेनिंग रेशियो हो जाएगा बी और सी के बीच में 9/40 और 7/40, यानी कि 9:7। अब ज़रा हम लोग गुडविल से रिलेटेड कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि ए रिटायर हो रहा है और उसका हिस्सा का जो गुडविल है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो हैं बी और सी, वो गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हम लोगों का जो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है वो कितना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, यानी कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 है। उसमें से हम लोग ए का हिस्सा निकाल लेंगे। ए का हिस्सा हो जाएगा 60,000 × 2/5, क्योंकि उसका जो ओल्ड शेयर था वो 2/5 था। तो इस तरह से कितना आएगा उसका हिस्सा गुडविल का, 24,000। इसको हम लोग गेनिंग रेशियो में बी और सी के बीच में बांटेंगे। तो स्टूडेंट्स बी गेन करेगा 24,000 का 9/16, क्योंकि हम लोगों का जो गेनिंग रेशियो था वो था 9:7। तो बी गेन करेगा 9/16 किसका, 24,000 का। बी के हिस्से में आएगा 13,500 और सी गेन करेगा 24,000 का 7/16, तो उसके हिस्से में आएगा 10,500। अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो हम लोग रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सबसे पहला एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो हमारा पहला एडजस्टमेंट है फर्नीचर एंड फिटिंग्स वेयर अंडर वैल्यूड बाई 4,000।
यानी कि फर्नीचर और फिटिंग्स जो है उसका वैल्यू 4000 से हम लोगों को बढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो हम लोग उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो लिखेंगे बाय फर्नीचर एंड फिटिंग्स 4000। हमारा नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर अरुण अ डेटर वाज डाउटफुल एंड अ प्रोविजन फॉर द सेम इज रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को ₹12,000 के बराबर हम लोगों को डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 12,000। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट इसके बाद है स्टॉक बी वैल्यूड एट 90%। स्टॉक का वैल्यू 90% हो गया है तो हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट में स्टॉक कितना है। तो बैलेंस शीट में जो स्टॉक का वैल्यू है वो है ₹3,00,000। अब इसका वैल्यू 90% हो गया है। करंट वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स स्टॉक का? 3,00,000 का 90% यानी कि 2,70,000। इसका मतलब है कि जो स्टॉक है वो ₹30,000 से घट गया है। तो उसके लिए हम लोग, तो जब किसी एसेट्स का वैल्यू घटता है तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। पहले स्टॉक का वैल्यू 3,00,000 था, अब उसका वैल्यू 2,70,000 हो गया है यानी कि ₹30,000 की कमी स्टॉक के वैल्यू में आई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हो गई एसेट्स और लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज। अब इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, क्योंकि इधर 12,000 और 30,000 है और इधर है 4,000। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड में आने का मतलब है कि वो लॉस है। तो इधर बैलेंस करने पे स्टूडेंट्स हम लोगों का जो लॉस आएगा वो आएगा 38,000। और उसको हम लोग ओल्ड रेशियो यानी कि 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा ए के हिस्से में 15,200, बी के हिस्से में 15,200 और सी के हिस्से में 7,600। तो स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं और हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस शीट में जो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है ए बी और सी का, ये 2,00,000, 2,00,000 और 1,00,000, ये हम लोग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बी डी लिखकर लिखेंगे। तो हमने यहाँ कैपिटल का बैलेंस ए बी और सी के कॉलम में लिख लिया है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने ए के हिस्से के गुडविल को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा था, तो इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग, मतलब ए के हिस्से के गुडविल को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के लिखेंगे बाई बीस कैपिटल बाई सीस कैपिटल 13,500 और 10,500। और इसी का कॉन्ट्रा एंट्री इधर करेंगे हम लोग डेबिट साइड में। तो हम लोग लिखेंगे 2A's कैपिटल B के हिस्से में 13,500 और C के कॉलम में 10,500। ये जो एंट्री है ये गुडविल से रिलेटेड है। किसके गुडविल से रिलेटेड है? जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके गुडविल से रिलेटेड ये एंट्री है। इसको हम लोग कैसे करते हैं? तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं, ठीक है? इसलिए हम लोग लिखेंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी और सी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं और वो गेन कर रहे हैं। और एक ही हिस्से का जो गुडविल था 24,000 उसको हम लोगों ने पहले ही गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट करके यहाँ रख लिया है। इसी अमाउंट को हम लोग एक एक कॉलम में भर देंगे। तो यहाँ हम लोगों ने गुडविल के अमाउंट को लिख दिया। उसके बाद इसी को डेबिट साइड भी लिखेंगे 2A's कैपिटल करके बी और सी में 13,500 और 10,500। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग गुडविल का एंट्री रिटायरमेंट में करते हैं। फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हम लोगों का रिवैल्यूएशन अकाउंट था उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोगों का लॉस आया था, तो इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन के लॉस को कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिख लिया है। जो ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ था उसमें रिजर्व फंड ₹40,000 दिया हुआ था, तो इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके। रिजर्व फंड को लिखेंगे इधर क्रेडिट साइड में जो कि 40,000 का है, और उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग ए बी और सी के कॉलम में भर देंगे। तो इसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 2:2:1 में, तो आया है 16,000, 16,000 और 8,000। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस तरह सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं कैपिटल अकाउंट के। अब देखना है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको किस तरह से पेमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पांचवा नंबर हम लोगों का पॉइंट था उसमें लिखा हुआ है ₹1,00,000 ट्रांसफर टू एज लोन अकाउंट बेयरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड द बैलेंस बी पेड
थ्रू बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट बी अरेंज्ड इफ रिक्वायर्ड। इसका मतलब है स्टूडेंट्स की ए के कैपिटल अकाउंट से 1,00,000 रुपया उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए और जो अमाउंट बाकी बचता है उसको चेक से पेमेंट किया जाए, और अगर इस पेमेंट में पैसे की कुछ कमी होती है तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी अरेंज करने का बोला गया है। तो हम लोग चलते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेट करेंगे कि ए का जो अमाउंट है बैलेंस वो कितना आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जो ए का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 2,40,000 है और डेबिट साइड का टोटल है 15,200। तो हम लोग क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को लेस करेंगे, 2,40,000 में से 15,200 को लेस करेंगे तो आता है 2,24,800। 2,24,800 ये अमाउंट पेएबल है ए को उसके रिटायरमेंट पे, लेकिन इसमें से हम लोगों को 1,00,000 रुपया उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो हम लोग ए के कॉलम में लिख देंगे टू एज लोन अकाउंट 1,00,000, क्योंकि उसके टोटल अमाउंट जो उसको पेएबल है उसमें से 1,00,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होना है और जो बाकी अमाउंट बचेगा उसको चेक से पेमेंट कर देना है। 2,24,800 उसमें से हम लोग 1,00,000 लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखते हैं कितना अमाउंट उसको देने का बच रहा है। तो उसको जो बाकी अमाउंट देने का बच रहा है वो है 1,24,800। स्टूडेंट्स 2,24,800 उसको पेएबल अमाउंट निकल रहा था जिसमें से 1,00,000 उसके लोन में अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो जो हम लोगों को चेक से पेमेंट करना है वो बन रहा है 1,24,800। तो इस अमाउंट ये जो 1,24,800 है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट हम लोगों को पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1,24,800 जो उसको पेएबल है कैश में। उसके बाद हम लोग बी और सी का कैपिटल भी बैलेंस कर देंगे। बी और सी का बैलेंस करने से आएगा 1,87,300 यानी 1,87,300 और 89,900 लिखेंगे हम लोग उसके लिए टू बैलेंस सी डी, क्योंकि बी और सी इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे इसलिए उसको बैलेंस सी डी से बंद करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों का जो कैपिटल अकाउंट है वो पूरा हो जाएगा। तो एक बार हम लोग इसमें एक रिविज़न कर लेते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है जैसे इसमें ए था उसके गुडविल को हम लोग गेनिंग पार्टनर के बीच बांटते हैं गेनिंग रेशियो में, तो लिखेंगे बाय बी कैपिटल बाय सी कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में बी और सी गेनिंग पार्टनर्स थे यानी कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स थे और उसको हम लोग गेनिंग रेशियो में यानी कि हम लोग गुडविल को एक गुडविल को हम लोग गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे और फिर इसी का ऑनर एंट्री इधर करेंगे टू एज कैपिटल करके लिख के बी और सी के कॉलम में लिख देंगे। स्टूडेंट्स इसमें ए जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट करने का जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 2,24,800 ये बैलेंस करने पे आएगा, लेकिन उसमें से 1,00,000 रुपया उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग लिख देंगे टू एज लोन अकाउंट 1,00,000 और जो बाकी अमाउंट बचा यानी कि 1,24,800 उसको बैंक से हम लोग पेमेंट कर देंगे। बी और सी जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उसका अकाउंट हम लोग बंद कर देंगे टू बैलेंस सी डी लिख के, क्योंकि ये सब दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं और इनका बिजनेस अब आगे चलेगा। तो अब स्टूडेंट चलिए अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट बनाना बड़ा ही आसान है, हम लोग पुराने बैलेंस शीट को सबसे पहले देखेंगे। तो पुराने बैलेंस शीट में हम लोगों का जो बैंक का बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 44,800, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि ए को पेमेंट करना है चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट ही क्यों ना हो जाए। तो हम लोग देखेंगे हम लोगों ने ए को कितना पेमेंट किया है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ए को 1,24,800 रुपये पेमेंट किया है और हम लोगों के पास बैंक का जो बैलेंस था वो था 44,800, यानी कि तब हम लोगों का जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कितना बनेगा, यानी कि जो हम लोगों का बैंक ओवरड्राफ्ट है वो बनेगा, हम लोगों ने ए को पेमेंट कर दिया 1,24,800 और हम लोगों के पास पहले से 44,800 का बैंक बैलेंस था यानी कि ओवरड्राफ्ट हो गया 80,000 का। अब आगे चलते हैं देखते हैं कि बैलेंस शीट में आगे क्या था। आगे बैलेंस शीट में सेंट्री डेटर्स दिया हुआ था 1,72,000 का और उसमें प्रोविज़न भी था 12,000 का डेटर्स पे। तो स्टूडेंट्स हम लोग डेटर्स में से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को लिस्ट करके बैलेंस शीट में लिखेंगे। स्टूडेंट्स इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, लिखेंगे सेंट्री डेटर्स पहले 1,72,000 था और प्रोविज़न हम लोगों ने बनाया 12,000 का, तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1,60,000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या था लिखने का इसमें। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट में देखते हैं कि स्टॉक लिखने का था
जो कि पहले से 3 लाख था, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम लोग बनाए थे तो उसमें पता चला था कि स्टॉक का वैल्यू 30,000 से घट गया है, यानी कि अब उसका वैल्यू 2,70,000 हो गया है। तो बैलेंस शीट में हम लोग स्टॉक लिख देंगे 2,70,000, क्योंकि अब उसका वैल्यू 2,70,000 हो गया है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 46,000 का दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग देखे थे कि फर्नीचर एंड फिटिंग्स का जो वैल्यू है वो 4,000 से इंक्रीज हो गया था। तो हम लोग फर्नीचर एंड फिटिंग्स पहले 46,000 था, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 4,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि 4,000 से उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया था, और इसको जोड़ने के बाद अब उसका वैल्यू कितना हो गया है, 50,000। और इस तरह से एसेट साइड में जितने भी आइटम्स लिखने के थे वो सब हम लोगों ने लिख लिए हैं। अब इसको टोटल कर लेंगे हम लोग। अब आते हैं लायबिलिटी साइड की तरफ। तो लायबिलिटी साइड में हम लोगों ने पहले ही बैंक ओवरड्राफ्ट लिख रखा है, और अब देखते हैं कि और क्या चीज़ था लायबिलिटी साइड में लिखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को रिजर्व फंड दिख रहा है, तो रिजर्व फंड हम लोगों ने पहले ही बांट लिया है, तो ये अब तो इसमें नहीं लिखाएगा। सेंडरी क्रेडिटर्स 20,000, और सेंडरी क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,800 है। इस सेंडरी क्रेडिटर्स 20,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,800 हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। तो जिस तरह से पुराने बैलेंस शीट में था उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग इसको लिखते हैं। ए का जो लोन है वो 1,00,000 रुपया होगा, तो इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ए के लोन को यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि 1,00,000 का था। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट को लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि हम लोगों का जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो बी और सी है, और इस दोनों के कैपिटल का जो बैलेंस है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस शीट में। बी के कैपिटल का बैलेंस था 1,87,300, इसको हम लोग बी के सामने यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख देंगे। और सी के कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, तो सी के कैपिटल का बैलेंस है 89,900, तो यहाँ पे सी का हम लोगों ने कैपिटल का बैलेंस लिख लिया है। अब लायबिलिटी साइड को भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया है, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोगों को रिटायरमेंट से जुड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मालूम हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।